अगर आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो और साथ में दोस्तों एडजस्टमेंट भी इस तरह करना चाहते हो जैसे कि DSLR की वीडियो आपकी लगे, तो आज की वीडियो स्पेशल आप दोस्तों के लिए होने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को A to Z वो सभी एडिटिंग बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों आप नॉर्मल सी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर भी कर सकोगे और साथ में ऐसा एडजस्टमेंट कर सकोगे जिससे आपकी वीडियो दोस्तों DSLR की तरह लग जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पेशल एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को यार कहीं पर भी मिस ना करें, आज की वीडियो स्पेशल आप दोस्तों के लिए होने वाली। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन, आप देख रहे हो टेक्निकल स्माइली की कोर्नी वीडियो ट्यूटोरियल। सो प्यारे भाइयों, आपके एक लाइक करने से कुछ जाने वाला नहीं है, आपके भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा। अभी से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये एडिटिंग VN एप्लीकेशन में चाहिए तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी से कर देना है। आज की ये एडिटिंग हम कैपकट में करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिए। तो सिंपल सा दोस्तों, हम कैपकट को ओपन करेंगे, ओपन करते ही दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट पे आएंगे। अब ये सिंपल सी वीडियो मेरे पास मौजूद है जिसका हम बैकग्राउंड भी ब्लर करेंगे और साथ में दोस्तों इसमें एडजस्टमेंट भी कलर ग्रेडिंग भी करने वाले हैं, तो वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें। तो इसका लास्ट पर हम करेंगे डिलीट। लास्ट पर डिलीट करने के बाद सिंपल सा दोस्तों, इस वीडियो को हम ओवरले भी ले लेंगे। एड ओवरले पे क्लिक करने के बाद इस वीडियो को सिंपल सा फिर से हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इसको फिट स्क्रीन करेंगे। फिट स्क्रीन करने के बाद हमारी वीडियो कुछ इस तरह आ चुकी है। अब ये सभी वीडियो आ चुकी है, अब आपने क्या कर देना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर वीडियो इफेक्ट पर आना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने फेवरेट में ऑलरेडी ब्लर रखा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको बेसिक में मिल जाएगा। सो सिंपल सा दोस्तों, हम ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ब्लर को करेंगे फुल। अब ब्लर हमारी वीडियो पे आ नहीं चुका है, सो सिंपल सा हम देख लेते हैं किस तरह आएगा। सो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो, हमने करना है यहाँ पे नीचे नीचे लेयर को सेलेक्ट और यहाँ से कट आउट पे क्लिक कर देना है, बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक कर देना है। हमारा हो जाएगा अभी बैकग्राउंड रिमूव, हमारा बैकग्राउंड अभी रिमूव हो चुका है। अब एडजस्टमेंट करने के लिए सिंपल सा मैं आप दोस्तों को बता दूँ, यहाँ पर बैक जाना है, यहाँ से भी बैक जाना है, एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और इसी इफेक्ट पर क्लिक करना है और इसका थोड़ा सा ब्लर अपनी वीडियो के हिसाब से रख देना है। रखने के बाद हमारा ब्लर आएगा, एडजस्टमेंट है तो सिंपल सा मैं आप दोस्तों को बता दूं। सो सिंपल सा यहाँ पर दोस्तों आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर अगर आप इसके एडजस्टमेंट करना चाहो तो ऊपर वाले लेयर पे अपने क्लिक कर देना है, फिल्टर पे यहाँ पर आना है और यहाँ से एडजस्ट पे आना है। एडजस्ट पे आने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर आपने कलर ग्रेडिंग इसकी कर देनी है, तभी आपकी दोस्तों वीडियो DSLR की तरह भी लग जाएगी और दोस्तों किसी को यार पता ही नहीं चलेगा कि भाई ने वीडियो के साथ क्या किया हुआ है। तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो आराम आराम से, जितना आप आराम आराम से एडजस्टमेंट करोगे उतना ही आपकी वीडियो की रिजल्ट और क्वालिटी अच्छी आएगी। सो सिंपल सा हम यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट सारे का सारा एडिटिंग और यहाँ से बैक जाके यहाँ पर हम स्ट्रक्शन को ओपन ज़्यादा कर ले देंगे। यहाँ पर इसको कर लेंगे थोड़ा सा हाई, अपने हिसाब से कर देना है। हाइलाइट्स को भी अपने हिसाब से रख देना है और शेड को दोस्तों अपने हाई थोड़ा सा अपने हिसाब से रख लेना है। यहाँ से इसकी जो क्लैरिटी है उसको आपने थोड़ा सा कर लेना है ताकि आपकी जो वीडियो है की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेस्ट आए। अब यहाँ पर दोस्तों आप जल्दी से कर देते हो बहुत कमाल की वीडियो आप आ चुकी हो, तो आप लोग किसी को भी पता नहीं चलता कि यार DSLR की तरह वीडियो है या फिर एंड्रॉयड फ़ोन से शूट किए गई वीडियो है। तो दोस्तों इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ।